तो हेलो हेलो, कैसे सारे हो? तो सही बड़े होंगे। और लास्ट एंड ऑफ सर्वाइवल के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ आ चुका मैं हार्बर वाले पर्पल रूम के अंदर, और यहाँ पे लूट तो है क्योंकि एडवांस एमोचेस जो है मुझको दिख रहा है, तो ओपन करते हैं इसको फटाफट। और कुछ भाई लोग बोल रहे हैं कि अपने को येलो वाला जो पर्पल वाला बॉटल है वो अपने को कैसे मिल सकता है, ठीक है, सिंथेटिक एवोल्यूशन वाला जो, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बता रहा हूँ मैं। रूम करो ऑपरेशन बेस के अंदर, दम्बर जितना रूम कर सकते हो उतना रूम करो, क्योंकि ऑपरेशन बेस के रूम के अंदर ही आपको चीज़ें मिलेगी। और चाहो तो टैंक को किल कर लेना, बाकी और कोई जगह नहीं है। टैंक और रूम ये दोनों जगह से मिलेगा आपको, और रूम भी आपको पर्पल रूम ओपन करना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा। और यहाँ पर कार्ड मैंने दो बार स्विच कर दिया, इसलिए मेरा कार्ड हो चुका फेल, मतलब उसका काम तमाम हो चुका। इसको निकालते हैं और ऑटो कनेक्शन को फिक्स करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने थंबनेल में देखा कि मैं अपना बेस डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि इस सर्वर को अपन अब स्किप करने वाले हैं। लेकिन स्किप करने से पहले मैंने क्या क्या तैयारियाँ किया था, तो वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि C4 की रेसिपी अब तक नहीं आई थी मेरे पास। लेकिन हाँ, C4 बहुत पहले से आ गया था, बस एक हादसे में मेरा C4 खो गया था, लेकिन इस बार मेरे पास C4 आ गया था, ठीक है। और मैंने C4 की रेसिपी निकाल भी लिया है, तो बस एक ही चीज़ बाकी था मुझे, थोड़ा सा फार्मिंग करना और बेस को रेड करना। लेकिन अब क्या करूँ गाइस, इस तरह से ऐसा मान लो कि मन नहीं कर रहा है सर्वर में खेलने का, क्योंकि सभी बंदे ऑफलाइन है अब, जिससे एक जो होता है ग्रुप जो है वो टूट जाता है और मज़ा नहीं आता। मैंने सोचा था कि सभी एक साथ रहेंगे, कुछ फार्मिंग वगैरह चलती रहेगी और फिर अपन बॉम्ब वगैरह बना के रेड करते रहेंगे, तो ऐसा तो हुआ नहीं कुछ। तो यहाँ पे पर्पल रूम ओपन करते हैं एयरपोर्ट वाला, और यहाँ पे रूम अवेलेबल है, ठीक है। तो यही से मुझे C4 और शेल मिल जाता है, यहाँ पे देख लो C4 और शेल दोनों ही हैं। यहाँ पे रूम कार्ड को तो फेंक देते हैं, चलो बहुत बढ़िया। पर्पल वाला जो सिंथेटिक एवोल्यूशन बूस्टर है, ठीक है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप ऑपरेशन बेस के अंदर रूम ओपन करोगे। और सिरिंज जो है आपको ऑपरेशन बेस के अंदर ख़रीदने से मिलेगा, 200 ट्रेड टिकट के अंदर आपको मिलेगा एक, और उसके बाद बाकी का तो आपको नॉर्मल टिकट जो है पैसा उसको देकर ही खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर C4 को मैंने सेफ पे रखा है, बाकी पर्पल कार्ड को बाहर फेंक दिया है, क्योंकि पर्पल कार्ड दो है मेरे पास, ठीक है, एक यूज़ हो चुका है और एक का एक हेल्थ बचा हुआ है। अब C4 मेरे को रेसिपी मिलना है, बस बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे डिसमेंटलर पे भी आया, क्योंकि मुझे स्पेयर चाहिए थे, क्योंकि बिना स्पेयर के तो C4 की रेसिपी बनेगा नहीं। और C4 की रेसिपी बनाने के लिए अपने को 1200 स्पेयर चाहिए होता है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बंदे शायद आ गए हैं, टैंक फायरिंग और जो है शेल दोनों चला रहा है, ठीक है, बजूका दोनों चला रहा है, तो और गार्ड भी गोली मार रहे हैं आसपास, तो शायद बंदे आ गए। मैं भागता हूँ फटाफट यहाँ से, अपने बेस पर आ जाता हूँ और सेल्फ करके उसके बाद छोटे वाले बेस से मैं अपने मेन बेस पर आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे मैंने जो अपने C4 1200 स्पेयर दिखा रहे हैं, और शेल भी 1200 स्पेयर, दोनों के दोनों 1200 स्पेयर में बन जाते हैं, और दोनों बनते भी सेम हैं, बस एक में पाइप लगता है एक में पाइप नहीं लगता, ठीक है। बाकी दोनों के एक्सक्लूसिव 25 ही लगते हैं, और इतने सारे GP अपने को बना हुआ है ना, लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास अपने पास GP हो जाएगा शायद, तो 12 हज़ार तो हो ही जाएंगे, उससे कम नहीं है, हाँ उससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो 12 हज़ार GP है, यानी अपने को कितना सारा बम बना सकते हैं अपन, 100 बम बना सकते हैं शायद, क्या नहीं 100 नहीं बना पाएंगे, एक सेकेंड, 25 ना हम हैंडमेड बना सकते थे शायद, 1500 से अपन बनाए थे, हाँ ठीक है, 100 अपन हैंडमेड बना सकते थे, और तो उसी अनुसार अपने को 50 के आसपास तो बना ही सकते थे GP यूज से, मतलब क्या बोलते हैं C4, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक पास होने चाहिए थे। और यहाँ पे मैंने सेफ ओपन किया है, और सेफ ओपन करने के बाद मैं आ चुका था अपने बेस पे, और हाँ ये उसके लास्ट दिन का वीडियो है जब मैं बेस को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो स्कोप मिलने वाला है, मतलब लेवल 10 होने के बाद में ये वाला स्कोप ओपन
मतलब बन पाएगा, ठीक है, ओपन हो चुका है। और किसका किसका ये वाला स्कोप बना हुआ है बता देना मुझको। और अब बेस को तोड़ने का बारी है, लेकिन उससे पहले सारे टीममेट्स को दिखा देता हूँ। सभी के सभी ऑफलाइन पड़े हुए हैं, कोई भी ऑनलाइन नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सब कुछ तोड़ के सर्वर को एंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं न्यू प्लेयर्स के साथ न्यू जर्नी। ठीक है, न्यू प्लेयर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग सभी शायद ऑफलाइन हुए, कुछ काम है, एग्ज़ाम वगैरह, इसलिए खेल नहीं रहे, तो उनको अभी परेशान नहीं करेंगे कॉल वगैरह मैसेज वगैरह करके। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें निकालते हैं, उसके बाद फिर डिसमेंटलर मतलब पूरा डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं गाइस। और हाँ, ये डिस्ट्रॉय करना, आप में से किसको उसको लग रहा है कि डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, आपको सर्वर कंटिन्यू करना चाहिए था, तो कमेंट में ज़रूर बताना। 5 मिनट तक सभी देखते हैं, मुझे पता है 5-6 मिनट तक तो देखते ही रहते हैं आराम से। तो किसको किसको लगता है कि अपने को ये बेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना था, और कंपोनेंट इतने रखूँगा और कैबिनेट के अंदर सामान मेंटेनेंस कि करीब 9 से 8 घंटे तक तो चली जाए। उसके 8-9 घंटे बाद अगर कोई बंदा रेड करता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी सामान डिस हो चुके होंगे पहले से ही, मतलब डिस स्पॉन हो चुके होंगे और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और अगर कोई रेड नहीं करता तो बेस ऑटोमेटिक गिर जाएगा बिना मेंटेनेंस के। तो यही है मेरा मास्टर प्लान, इस सर्वर का लास्ट प्लान है, और न्यू सर्वर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बंदा बोल रहा था कि न्यू सर्वर स्टार्ट करो, इस सर्वर पुराना हो चुका है, वैसे भी हो चुका है, लेकिन अब इसमें से बेस बैच आ जाएगा। ठीक है, इतनी तैयारी किया था, लगभग ये सारी तैयारी करने में ना इतना मेहनत लगा कि क्या बताऊँ गाइस, इतनी सारी दिन, इतने सारे काम, इतने सारे लोग मिल के किए हैं। जितने भी लोगों ने इस सर्वर पे मेहनत किया होगा तो उन सभी को दुख लग रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद अभी, लेकिन क्या करूँगा जब सभी ऑफलाइन हैं और मैं अकेला, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि जब कोई नहीं है तो फिर मैं अकेला क्या करूँगा, सर्वर को स्किप करते हैं इसको और फिर स्टार्ट करते हैं एक नई शुरुआत। सबको तोड़ दूँगा गाइस, देख लो सामान देख रहे हो मेरे पास, एक म्यूटेंट सेल है, बस उसको अपने को ऑपरेशन बेस में भेजना है। और ऑपरेशन भेजने वाला जो सिस्टम है, आपको बता दूं कि ऑपरेशन बेस में आप किसी भी चीज़ को ट्रेड जोन से ऑपरेशन बेस तक ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि आपको कुछ स्पेयर लगते हैं, और एक म्यूटेंट सेल को भेजने के लिए 180 स्पेयर लगते हैं। तो उसको मैं आपको भेज के एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूँगा 2-3 मिनट का, उसमें आप देख के समझ जाओगे। और उसके अलावा भी एक ट्रेड जोन वाला वीडियो अवेलेबल है, जिसमें ट्रेड जोन से मैंने ऑपरेशन बेस में सामान को ट्रांसफ़र किया, तो 1K+ व्यूज़ है उसमें, तो आप उसमें आराम से देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो होप गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो में मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ उन चीज़ों में आपकी सहमति होगी, और ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ जा रही होगी कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि मुझे ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, अपने बेस को डिस्पॉन करना सही है मेरे लिए कि नहीं है, तो बताना मुझको। ठीक है गाइस, और कल सुबह लाइव आऊँगा गाइस, कल सुबह स्किप नहीं करूँगा बिल्कुल भी, अगर बिजली रहती है तो, यानी कनेक्शन बराबर रहता है तो कल सुबह लाइव मिलेंगे, और अगर नहीं रहती तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। बाकी अगर सर्वर चालू रहता है तो 7 बजे मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, और आज भी आने वाला था बट आज तो मेंटेनेंस डे था इसलिए स्किप करना पड़ा, वरना आज मैं आ जाता, इसलिए तो समझ रहे हो ना चीज़ों को, या फिर सारी चीज़ें डिसमेंटल या डिस्पॉन जो है वो हो रही होगी। थोड़ा टाइम पे आगे चेक कर रहा था मैं कि डिस्पॉन क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। GPU सब कुछ बैग में भर के रखा है मैंने, और मेरे पड़ोस में एक बेस है, लेकिन अब उस बेस को भी मैं सामान दे नहीं सकता क्योंकि ये हमारे टीममेट्स ने मेहनत, अब किसी और को अगर मैं सामान दे दूँगा अपने बेस से निकाल के तो फिर एक तरह से गलत हो जाएगा अपने टीममेट्स के लिए, क्योंकि वो बोलेंगे कि अपना सामान कैसे किसी और को दे सकते हो, तो यही सोच के मैंने शायद नहीं दिया उस टाइम पर।
और यहाँ पे गोलियाँ वगैरह बना लिया मैंने। बहुत टाइम तक मैं थोड़ा चुप था कि मैं देख रहा था कि मुझे क्या क्या करना है, उन चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया था। ठीक है, मतलब मैं ऐसे बात नहीं कर रहा था क्योंकि गोली वगैरह बना रहा था भाई यार, समझो चीज़ों को तो समझो। चलो गोलियाँ बना लेते हैं फिर से बहुत सारे। चलो गाइस इसके बाद तो फिर और कुछ भी नहीं, डिस्पॉन कर लेते हैं और फिर काम तो मान। देखो यहाँ पे सामान देखो, न्यूट्रिएंट सेल को मैं ऑपरेशन बेस में सेंड करता हूँ, कैसे उसको आप देख लेना। बाकी स्पेयर को मैं निकाल लेता हूँ पहले, स्पेयर और न्यूट्रिएंट सेल इन दो चीज़ें लास्ट में फेंक देता हूँ, न्यूट्रिएंट सेल सेंड करने के बाद। ठीक है, और जितने भी स्पेयर रहते हैं उसको मैं वही अपने ट्रेड जोन के अंदर फेंक के ऑफलाइन हो जाता हूँ, साथ में AKM को भी। तो होप गाइस आपको सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर करना। चलो इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। चलो गाइस बाय बाय। Protect
You're so